सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड रेक्टम। तो सबसे पहले हम यूरेथ्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। तो वे मेल यूरेथ्रा को हम चार में डिवाइड करते हैं। तो उसका वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट में जाने से पहले वाला पार्ट होगा, जो ब्लेडर के नेक के अंदर होगा, उसको बोलेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट। वाइट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल, क्योंकि ये ब्लेडर की नेक के अंदर है। दूसरा पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर गया हुआ, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट। तीसरा पार्ट जो कि हम कह सकते हैं कि यूरोजेनिटल डायफ्राम के दरमियान से गुजरता है, जो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और जिसको स्फिंक्टर यूरेथ्री भी बोलते हैं, और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल इसकी वजह से मिलकर बनता है। और चौथा पार्ट स्पॉन्ज यूरेथ्रा, जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर देखने को मिलता है। तो फिर हम इसके पहले डायग्राम को देख लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉर्पस, ओके, ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इसकी बेस्ट एवर डायग्राम जो आपने यहाँ से नेटर एटलस से करनी है, वो ये वाली डायग्राम है। तो इसके थोड़ा कम ठीक है। इस डायग्राम के मुताबिक आपको यूरेथ्रा के चार पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। तो सबसे वो वाला पार्ट जो ब्लेडर के नेक के अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल पार्ट है, इसको पार्ट को प्री प्रोस्टेटिक पार्ट भी कहते हैं। वाइट, क्योंकि ये प्रोस्टेट से पहले होता है। फिर इसका वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट के दरमियान में होगा, उसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक पार्ट। और इसका वो वाला पार्ट जो कि हम कह सकते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से पास करते हैं दरमियान से, यानी यूरोजेनिटल डायफ्राम से पास करता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट या मेम्ब्रेनस पार्ट। उसका वो वाला पार्ट जो कहाँ से गुजरता है, तो गुजरता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्जी पार्ट, क्योंकि इसने स्पॉन्जी पार्ट से गुजरना है। इसको इस पार्ट को कैवर्नस पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने कैवर्नस बॉडी से पास करना है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक वो वाला पार्ट जो बल्ब के अंदर होगा, उसको बोलेंगे बल्बस पोर्शन, और एक वो वाला पार्ट होगा जो बॉडी और पीनस के अंदर होगा, तो उसको बोलेंगे पेनाइल पोर्शन या पेंडुलस पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो इंट्राम्यूरल पार्ट, ये सबसे सुपीरियर मोस्ट पार्ट, इसकी लेंथ सबसे कम होती है 0.5 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर, जबकि प्रोस्टेटिक पार्ट इसकी होती है 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर। इंटरमीडिएट पार्ट की होती है तकरीबन 1 से लेकर 1.5, और सबसे ज़्यादा लेंथ वाला पार्ट होता है, उसको 15 सेंटीमीटर, स्पॉन्जी यूरेथ्रा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो कि नेक ऑफ ब्लेडर के अंदर है, तो इस पार्ट की जो पोजीशन होती है या इसकी लोकेशन होती है, वो डिपेंड करती है ब्लेडर की फिलिंग के ऊपर, ठीक है। कि अगर ब्लेडर की फिलिंग किस तरह से है या ब्लेडर की अनटाइम किया, तो उसी की वजह से इसकी पोजीशन डिपेंडेंट होती है। और ये वाला पार्ट इंटर्न यूरेथ्रल स्फिंक्टर से सराउंड होता है। जबकि प्रोस्टेटिक पार्ट को देख लेते हैं, प्रोस्टेटिक पार्ट ये प्रोस्टेट के दरमियान से गुजरता है और एक जेंटली कर्व बनाता है, ठीक हो गया। तो ये वाला पार्ट, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, यह सबसे वाइडेस्ट है, सबसे मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट होता है, ठीक है, डायलेटेबल पार्ट होता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, अगर आप इसके ल्यूमेन में देखें, तो ल्यूमेन में आपको एक स्लिट लाइक यूरेथ्रल क्रस्ट देखने को मिलेगी, उसके दरमियान में आपको सेमिनल कॉलिकुलस प्रोजेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में अगर आपको नजर आ रहा होगा क्रॉस सेक्शन से देखा जाए, तो प्रोस्टेट के अंदर आपको ये एक प्रोजेक्शन सी, एक सेमी लूनर या कॉनकेव सी प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं सेमिनल कॉलिकुलस, ठीक है, सेमिनल कॉलिकुलस, ठीक है। और जिस प्रोजेक्शन के अंदर जो मिड लाइन में पड़ी होती है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट। तो सिंपली आपको यूरेथ्रल क्रस्ट, जिसके दरमियान में सेमिनल कॉलिकुलस, जो कि कॉनकेव लाइक डिप्रेशन होता है, कॉनकेव लाइक हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, ठीक हो गया। और ये यूरेथ्रल क्रस्ट के एक मीडियन रिज है, और इस मीडियन रिज के दरमियान में क्या होता है, सेमिनल कॉलिकुलस, और इस मीडियन रिज के लैटरली आपको दो कैविटी या फिर दो साइनसिस देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक साइनसिस। और ये प्रोस्टेटिक साइनसिस में प्रोस्टेटिक डक्ट की ओपनिंग होनी है, जबकि सेमिनल कॉलिकुलस में के अंदर एक छोटा सा एक सुराख होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में जो मीडियन रिज है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट। इसके दरमियान में सेमिनल कॉलिकुलस एक एलिवेशन होती है, एलिवेशन के नीचे एक छोटा सा डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। इसी प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के अंदर क्या किसने खत्म होना है, इसी प्रोस्टेटिक यूट्रिकल में खत्म होना होता है किसने, एजैकुलेटरी डक्ट ने। और यही प्रोस्टेटिक यूट्रिकल असल में यूट्रोवजाइनल कैनाल का प्राइमोर्डियम होता है, जिसने फीमेल के अंदर तो यूट्रस और वजाइना बनानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोस्टेटिक पार्ट। प्रोस्टेटिक पार्ट वाइडेस्ट और डायलेटेबल पार्ट होता है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट होगा इंटरमीडिएट या मेम्ब्रेनस पार्ट। तो इंटरमीडिएट या मेम्ब्रेनस पार्ट के वो पार्ट होता है जो डीप पेरिनियल पाउच से पास करता है, और ये सराउंडेड होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से। और हमने कहा था कि जो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, उसमें पेरिनियल मेम्ब्रेन यही यूरोजेनिटल डायफ्राम का इन्फीरियर फेशिया होती है, तो इसमें से पास करता है ये वाला पार्ट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जिसको आप इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा भी बोलते हो। अब जो इंटरमीडिएट पार्ट है, ये सबसे नर्वेस्ट पार्ट होता है, सबसे लीस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट होता है यूरेथ्रा के तमाम पार्ट का। और इसके बाद एक इसकी ओपनिंग होती है बाहर की तरफ ग्लैंड पैनिस के अंदर, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक हो गया, या इसको मिएटस भी बोलते हैं।
वैसे तो ये ओपनिंग सबसे ज्यादा नैरो होती है, लेकिन अगर यूरेथ्रा की पार्ट की बात करते हैं तो सबसे नैरोएस्ट पार्ट ये वाला इंटरमीडिएट पार्ट यूरेथ्रा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जो पार्ट इसके अंदर होगा स्पॉन्जी पार्ट ऑफ किसके अंदर, कॉर्पस स्पॉन्जियम के अंदर होगा, क्योंकि आपको पता है अगर पेनस के अंदर बल्ब और बॉडी, बॉडी के अंदर आपको जो वो इरेक्टाइल टिश्यू होता है ये वाला, जो ये कॉर्पस स्पॉन्जियम यहाँ पर जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम स्पॉन्जी यूरेथ्रा। स्पॉन्जी यूरेथ्रा डिपेंडिंग अपॉन ये पेनस के बल्ब के अंदर है या बॉडी के अंदर है, बल्ब के अंदर होगा तो बल्बस यूरेथ्रा, और उसको जब पिनाइल पार्ट या बॉडी के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे पिनाइल पार्ट या पेंडुलस यूरेथ्रा, ठीक है। अब जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही होता है, सबसे मोस्ट मोबाइल पार्ट सबसे ज़्यादा यही होता है। इसी तरह जो बल्बस पार्ट होता है इसके अंदर आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, जबकि जो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है उनकी ओपनिंग आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। पेंडुलस पार्ट या पिनाइल पोर्शन ऑफ स्पॉन्जी या कैवर्नस यूरेथ्रा, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू यूरेथ्रा का। फीमेल के अंदर आपको एक ही यूरेथ्रा देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कोई मजीद पार्ट्स नहीं होते। तो फीमेल के अंदर एक ही यूरेथ्रा जिसके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, काफ़ी इलास्टिक होता है, डिस्टेंसेबल टिश्यू होता है, जिसकी वजह से फीमेल यूरेथ्रा के अंदर जो तो कैथेटर हम आसानी से डाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रेक्टम को, जो रेक्टम है फिर हम रेक्टम की डायग्राम निकाल लेते हैं। तो ये रेक्टम हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड लास्ट पार्ट होता है जीआईटी का, ठीक हो गया, और काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड पार्ट होता है, तो उसको हम पैल्विक पार्ट ऑफ जीआईटी भी बोल सकते हैं। तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेक्टम, ये है सिग्मॉइड कोलोन, ये रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। तो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन से स्टार्ट होने के बाद रेक्टम जाता है किसके पास, ये जाता है एनोरेक्टल जंक्शन तक एक्सटेंड करता है। जो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन है ये S3 वर्टिब्रा पे होता है, और इसकी पहचाने की निशानी यही आती है कि जो कोलोन के अंदर आपको टीनिया कोलाई देखने को मिलती है, लेकिन रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन के ऊपर जो टीनिया कोलाई मिलकर एक कंटिन्यूस आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर बना लेते हैं, और यहाँ पर फैटी ओमेंटल अपेंडिसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ओमेंटल अपेंडिसेस नजर आ रहा होगा फैटी, तो यहाँ पर कोई ओमेंटल अपेंडिसेस नहीं होता। अब जो रेक्टम होता है, रेक्टम किसके पीछे पड़ा हुआ होता है, सॉरी किसके आगे पड़ा हुआ होता है, वर्टिब्रल कॉलम के, तो उसके बिल्कुल वही कर्वेचर होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम की होती है। किसके कर्वेचर, तो सैक्रम का फॉलो कर रहा होता है, तो एक सैक्रल कर्वेचर होता है, ठीक है, ठीक हो गया, जिसको सैक्रल कर्वेचर या सैक्रल फ्लेक्चर भी बोलते हैं। और जब यहाँ एनोरेक्टल किनार तक पहुँचता है, एनोरेक्टल जंक्शन पर, तो यहाँ पर आपको एक और फ्लेक्चर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एनोरेक्टल फ्लेक्चर। अगर हम इसकी इंटरनली बात करते हैं तो इंटरनल आपको तीन लैटरल फ्लेक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको एक है दो राइट साइड की तरफ होते हैं, जिनको आप ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फ्लेक्चर फोल्ड क्रिएट करते हैं, ये ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर। तो इसमें से दो होते हैं वो वाले लेफ्ट साइड पे होते हैं लैटरल फ्लेक्चर, तो आपको दो लेफ्ट साइड नजर आ जाओगे, ये दो लेफ्ट साइड पे और एक होता है राइट साइड के ऊपर, ठीक हो गया। और जो उसका डिस्टल एंड होता है रेक्टम का, वो काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो जाता है, वो डायलेट होने के बाद उसको बोलते हैं एम्पूला, ठीक है, एम्पूला बोलते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू रेक्टम का। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, क्रॉस सेक्शन वाले डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर चलो अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो फिर आपको रेक्टम के लैटरली आपको दो फैट फील्ड फोसे नजर आएंगे, जिसको बोलते हैं स्क्यूएनल फोसा। स्क्यूएनल फोसा को हमने इनल किनार के साथ करना है, जब हम इनल किनार पड़ेंगे तब हम उसको कवर कर लेंगे। अगर हम इस डायग्राम से देखते हैं रेक्टम को, तो रेक्टम ये आपको नजर आ रहा होगा, और रेक्टम का मेल में आगे पड़ा हुआ होता है प्रोस्टेट, आपको नजर आ रहा होगा प्रोस्टेट, और ब्लेडर पड़ा हुआ होता है। तो इसको रेक्टम को प्रोस्टेट से सेपरेट करने वाला रेक्टो प्रोस्टेटिक पाउच, और ब्लेडर से सेपरेट करने वाला रेक्टो वोजाइकल सेप्टम, ठीक है, ये रेक्टो वोजाइकल सेप्टम और रेक्टो प्रोस्टेटिक, ठीक हो गया। तो ये आपको सेप्टम देखने को बोलते हैं, और ये सेप्टम जिस फेशिया की वजह से बनती है, जैसे रेक्टो वोजाइकल फेशिया, रेक्टो प्रोस्टेटिक फेशिया, ठीक हो गया। तो ये रेक्टम का थोड़ा सा हो गया। अब जो आर्टियल सप्लाई होती है रेक्टम की, मैंने आपको कहा था कि तीन आर्टरी होती है जो रेक्टम को सप्लाई करती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, तो तीन आर्टरी होती है जो रेक्टम को सप्लाई करती है। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो आती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, जो मिडिल रेक्टल आर्टरी है हम कह सकते हैं एब्डोमिनल, ये सॉरी आती है इंटरनल लीक आर्टरी से, जबकि इंफीरियर रेक्टल आर्टरी आती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से। इसी तरह इनकी वेनस ड्रेनेज भी इससे ऑपोजिट होगी। जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो खत्म होती है किसके अंदर, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन खत्म होती है सप्लेनिक वेन में, सप्लेनिक वेन खत्म होती है पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन, ठीक है, और यहाँ पे आपको पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है कि सुपीरियर रेक्टल वेन पोर्टल वेन में, और जो मिडिल रेक्टल और इंफीरियर रेक्टल वेन ये जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, केवल सर्कुलेशन के अंदर। तो जैसे मिडिल रेक्टल वेन खत्म होती है इंटरनल लीक वेन में, इंफीरियर रेक्टल वेन खत्म होती है इंटरनल पुडेंडल वेन में, इंटरनल पुडेंडल वेन इंटरनल लीक वेन में आगे खत्म होती है। तो इन शॉर्ट आपको जो रेक्टम या स्पेसिफिकली इनल किनाल के ऊपर, लोअर एंड ऑफ रेक्टम या इनल किनाल के ऊपर आपको पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है, सुपीरियर रेक्टल वेन और मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन के दरमियान पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखो, तो फिर आपको यहाँ पर ट्रांसवर्स फोल्ड नजर आए होंगे, दो फोल्ड ऐसे होते हैं जो लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं, एक होता है राइट साइड के ऊपर, और आपको ये जो जो होते हैं
फ्लैक्चर की वजह से ट्रांसफर फॉल्ट क्रिएट होते हैं म्यूकोसा के अंदर। अब इसकी अगर हम इसकी इनर्वेशन को देखते हैं तो नर्व सप्लाई को देख लेते हैं, तो नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो होती है पैलोरिक सप्लाई की निकला, और तमाम विसरल इन्फॉर्मेशन जो पैरासिम्पैथेटिक जो तमाम विसरल इन्फॉर्मेशन जो पेन को कैरी करती है और जो फ्लैक्स को कैरी करती है वो सारे पैरासिम्पैथेटिक को फॉलो करती है, और जो सिंपैथेटिक वाले फाइबर होते हैं वो लंबर सप्लाई की नर्व के जरिए आते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के जरिए, यानी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से कुछ फाइबर इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के ऊपर ट्रैवल करते हुए आ जाते हैं। तो ये आपको इस डायग्राम के अंदर आपको इनर्वेशन ऑफ रेक्टम और इनर कैनाल नजर आ रही होगी। तो S2, S3, S4 ये पैरासिम्पैथेटिक, जबकि आपको ये वाला नजर आ रहा होगा ठीक है जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के जरिए ट्रैवल होता आया, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, देन कम इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ऊपर प्लेक्सिस, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के ऊपर, जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के ऊपर प्लेक्सिस होगा उसको बोलेंगे सुपीरियर रेक्टल नर्व। तो इस तरह इसको सप्लाई करती है। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू रेक्टम की इनर्वेशन का। तो इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया है रेक्टम यूरिथ्रा के बाद, वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या करनी है। तो यूरिनरी ब्लैडर को आपने करना है BD से ठीक है, तो आपने BD से इसका ये देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ लिगामेंट्स या जी असल में ये बोन्स वाले लिगामेंट नहीं है बल्कि ये फेशियल कंडेंसेशन होती है जो उसको सपोर्ट करती होती है, जो असल में पेल्विक फेशियस की कंडेंसेशन होती है। तो फिर आपको ये वाली डायग्राम आपने रट्टा मारनी है। तो आपको कौन कौन सा लिगामेंट नजर आ रही है, एक है लैटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम ठीक है, या लैटरल टू लिगामेंट ठीक है, लैटरल टू लिगामेंट। इसके साथ आपको प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट भी आ रहे होंगे, प्यूबो वेजाइकल ठीक है, प्यूबो वेजाइकल नजर आ रहा होगा आपको, लैटरल ट्रू लिगामेंट, लैटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम ठीक हो गया। इसके साथ कुछ फॉल्स लिगामेंट भी होते हैं जैसे मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, ये हमने अम्बिलिकल जब हम पढ़ रहे थे इंटरनल सर्फिस ऑफ एब्डोमिनल वॉल हमने पढ़ा था कि जो मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड होता है वो मीडियन प्लेन में पड़ा हुआ होता और वो एलेंटॉइस की वजह से बनता है, जो यूरेकस की वजह से, जो मीडियल था वो अम्बिलिकल आर्टरी की वजह से बनता था, जबकि लैटरल फास्ट लिगामेंट और पोस्टीरियर फास्ट लिगामेंट ये असल में अपने अपने फेशिया अपने अपने जो फोसा होती है उनकी फेशिया की कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। तो सिर्फ आपने इनके लिगामेंट के नाम याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर इनके लिगामेंट के नाम याद आते हैं। इसके साथ आपने एक और याद रखनी है कि जो ब्लेडर की जो पोस्टीरियर सर्फिस है, पोस्टो इन्फीरियर सर्फिस, वहाँ पर आपको ट्राइंगुलर समूथ एरिया देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ट्राइगोन। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइंगोन, क्योंकि ट्राइंगुलर होता है। यहाँ पर आपको तीन एंगल देखने को मिलते हैं, सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल के ऊपर यूरेटर की ओपनिंग होती है और इन्फीरियर एंगल के ऊपर यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, जिसको आप बोल सकते हो इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस। और यहाँ पे आपको स्लाइट एलिवेशन देखने को मिलता है ट्राइगोन के ऊपर, जिसको बोलते हैं यूवुला वेसिकाई आपको देखने को मिलता है ठीक हो गया। बाकी जो ब्लैडर के बारे में इसके आपने ये देखना है कि जो सुपीरियर सर्फिस का रिलेशनशिप, जो सुपीरियर सर्फिस होती है वो पेरिटोनियम से कवर होती है ठीक हो गया, और ये कॉन्टैक्ट करती होती है सिग्मॉइड कोलोन के साथ और कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इंटेस्टाइन के साथ। मैं आपको इस डायग्राम से दिखा देता हूँ, ये आपको ब्लैडर नजर आ रहा होगा। तो ब्लैडर की जो सुपीरियर सर्फिस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लैडर, ये ब्लैडर और ये आपको नजर आ रहा होगा कॉइल्स ऑफ आगे ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स, ये मेल के अंदर, ये फीमेल के अंदर। जो मेल के अंदर जो ब्लैडर होता है वो प्यूबिस के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ होता है और रेक्टम के दरमियान में, लेकिन जो फीमेल के अंदर जो ब्लैडर होता है वो प्यूबिस और इसके दरमियान होता है, यूट्रस के दरमियान में होता है। तो आपको दो तरह के पाउच देखने को मिलती है, एक वो पाउच या पेरिटोनियल कैविटी के स्पेस जो यूट्रस और रेक्टम के दरमियान में होती है उसको बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच या कल्डीसैक या पाउच ऑफ डॉकलस, जबकि वो पाउच जो आगे ब्लैडर और पीछे यूट्रस इसके दरमियान में होता है उसको बोलते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच, और दोनों के दोनों पेरिटोनियल कैविटी से फिल्ड होते हैं और दोनों के दोनों पोटेंशियल स्पेसेस होती है ठीक हो गया। और इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है ब्लैडर की बेड। बेड का मतलब इसकी जो जिस इसके ऊपर ब्लैडर रेस्ट करेगा, जो इसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं ठीक हो गया। अगर हम लैटरल वाली बात करें और ईच साइड, तो प्यूबिक बोन होती है, प्यूबिक बोन और प्यूबिक फेशिया ठीक हो गया। जो सुपीरियर सर्फिस पर वहाँ पर कॉन्टैक्ट करने वाला पेरिटोनियम होगा ठीक है, पेरिटोनियम होगा। और हमने कहा था कि जो उसकी पोस्टीरियरली रेक्टम होती है, रेक्टम से सेपरेट करने वाला एक फेशिया होता है जिसको बोलते हैं रेक्टोवेजाइकल सेप्टम या रेक्टोवेजाइकल फेशिया ठीक हो गया। तो ये आपने ब्लैडर की बेड को इस तरह से आपने कर लेना है। अब ब्लैडर के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि ब्लैडर की एक बेस होती है और इसकी अपेक्स होती है, इसके अपेक्स नीचे की तरफ होती है जहाँ पे प्रोस्टेट की ओपनिंग होती है, यानी इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस जो आगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की तरफ लीड करता है, और इसकी बेस ऊपर की तरफ होती है ठीक हो गया। सॉरी, इसकी अपेक्स यहाँ पे होती है, इसकी बेस यहाँ पे होती है, नीचे की तरफ होती है, और इसकी बेस प्रोस्टेट की अपेक्स के साथ कॉन्टैक्ट करती होती है। इसी की वजह से यहाँ पर जो यहाँ पर एक ओपनिंग देखने को मिलती है इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस या ओपनिंग, और इसको सराउंड करने वाला जो स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी जो ब्लैडर के अंदर पूछी जाती है। बाकी ब्लैडर के अंदर कोई इतने ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके कुछ क्लिनिकल्स हैं तो वो आपको मैंने निशान लगवा देता है गाइडलाइंस वाली वीडियो के अंदर। तो जिसके अंदर आप सिस्टोसील, यूरिथ्रोसील, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मेल और फीमेल यूरिथ्रा में डिफरेंस, ये वाला क्लिनिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से
सिर्फ क्लिनिकल आ जाते हैं, थ्योरी से सिर्फ या तो एमसीक्यूज ही आ सकता है, थ्योरी में एसएक्यू में कुछ भी नहीं आता। तो आपने एमसीक्यू के लिए और ये वाला जो होता है क्लिनिकल्स को अपने अच्छे से तैयार करना है एसएक्यू के लिए, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।